जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांड ओपिनियन। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के मेडिकल के रिजल्ट को लेकर है, क्योंकि काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। सर मेडिकल की डेट आपने एक नोटिस देखा होगा कि जो मेडिकल आपका बताया गया है वो जून के सेकेंड वीक और थर्ड वीक से शुरू होना बताया गया है। तो मैंने भी आपको पहले से ही बताया था कि जो आपका मेडिकल है वो 15 जून से या 20 जून के आसपास से शुरू हो जाएगा, जबकि आज आपको पता है कि लगभग 4 जून हो चुका है। अभी तक कोई भी डेट आपका जो रिजल्ट नहीं आया, ना ही ऑफिशियली फिक्स डेट आई है कि इस डेट को आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। सबसे पहले मेडिकल की जो कट ऑफ आएगी, देखो इसकी जो पूरी जो प्रोसेस है ना वो अब क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अब होगा ये, सबसे पहले कि एक लिस्ट आएगी, कट ऑफ लिस्ट किसके लिए आएगी, इसमें उन बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा जो मेडिकल के लिए एलिजिबल होंगे। तो उनका नाम आएगा और रोल नंबर आएंगे, जैसे लिस्ट पहले फिजिकल के लिए आएगी, सेम जैसे ही कट ऑफ लिस्ट आएगी आप किसके लिए, मेडिकल के लिए। ठीक है, तो जो मेडिकल के लिए कट ऑफ लिस्ट आएगी वो कब आएगी और एडमिट कार्ड कब आएगा, मेडिकल कट ऑफ लिस्ट है वो आपकी 10 जून से पहले पहले आ जाएगी। 10 जून से पहले पहले आपकी मेडिकल कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। अब आप बोल रहे हो कि सर आप 10 जून से पहले क्यों बता रहे हो, एग्जिट डेट बता रहा हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी में अक्सर होता है कि जो भी डेट उनकी फाइनल होती है अक्सर वो आगे बढ़ती रहती है या उलटपुलट होता रहता है, ये एसएससी जीडी का स्वाभाविक चीज है और इस बार भी होगा। तो ये आगे पीछे होता रहता है, इस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं। आपकी 10 जून से पहले पहले मेडिकल की लिस्ट आ जाएगी और कितने बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा तो मैं आपको बता दूं, लगभग 1,50,000 के आसपास बच्चों को हो सकता है कि क्वालिफाई किया जाए या इससे कम, कहने का मतलब इससे ज्यादा नहीं किया जाए, ये मैक्सिमम है 1,50,000। अगर आप मिनिमम पूछोगे तो 1,20,000, 1,20,000 से लेकर 1,50,000 के बच्चे क्वालिफाई होंगे। जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनके एडमिट कार्ड हो सकता है कि 15 जून तक आए, और 15 जून तक आने के बाद में इन बच्चों को 20 जून से मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ पे सर ये भी सेम टाइम नहीं जो फिजिकल के आए थे, नहीं सेंटर बदल जाएंगे, क्योंकि फिजिकल के लिए एसएससीजीडी ने बहुत सारे सेंटर इस बार बहुत सारे सेंटर दिए थे बच्चों को जल्दी फिजिकल कराने के लिए, लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं होगा। मेडिकल में जो कई ऐसे फिजिकल सेंटर है जिनके इस बार मेडिकल नहीं होगा, कई ऐसे फिजिकल सेंटर जहाँ पर मेडिकल नहीं होगा तो उनकी तो आई नहीं, इसलिए जरूरी नहीं कि जहां पर फिजिकल होगा वही मेडिकल होगा, मेडिकल किसी और जगह भी हो सकता है। अगर अभी तक प्री मेडिकल नहीं कराया तो लाभ आप आ सकते हैं अकेले, अभी भी आपके पास में समय है प्री मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि आपको री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं आ सकते या किसी भी जो भी आपके आस पास अगर कोई पोस्ट रिजार्ड है उनसे करा सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, जरूरी आप यही आइए या कहीं और भी अपने आस पास में करा सकते। ठीक है, तो अब जो फिजिकली सेंटर है उनसे अलग आपके सेंटर हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिन बच्चों की मेडिकल कट ऑफ आएगी फिर इनका अलग मेडिकल जो चलेगा वो चलेगा 20 दिन, ठीक है, उसी दौरान उनका रीमेडिकल हो जाएगा, इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट, ये फाइनल अपडेट है। लागू था। जय हिंद, जय भारत।